बात करें यूपी पैट के एग्जाम की, देखिए यूपी पैट का एग्जाम जो है वो आज कंप्लीट करा दिया गया है और 15 अक्टूबर को दो शिफ्ट बनी थी और 16 अक्टूबर को भी दो शिफ्ट थी। मैंने बहुत बच्चों से बात करी जो चारों शिफ्ट के थे, कोई 15 का था कोई 16 का था, और मैंने उनसे एनालिसिस करके पता किया कि कौन सा पेपर ज्यादा हार्ड था और मैंने पेपर खुद भी सॉल्व किया है कि मुझे कौन सी शिफ्ट का ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगा मुझे देखने को। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चारों शिफ्ट हुई थी 15 को, दो हुई थी और 16 को, कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा हार्ड थी और किसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, मतलब वहां पे आपके नंबर अगर उस शिफ्ट में कम भी बनना है तो नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। देखिए अगर बात करें कि 15-16 तारीख को कौन सी शिफ्ट टफ थी, तो 16 अक्टूबर मतलब जो आज शिफ्ट हुई है उसका जो मॉर्निंग का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, वो जो है आपका पेपर टफ आया है, मतलब डिफिकल्ट आया है कि जितने बच्चों से बात हुई है, लेकिन और मैंने ये पेपर खुद भी सॉल्व किया है, तो 16 अक्टूबर को वाला जो पेपर है मुझे थोड़ा सा टफ लगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें DI, दो DI ऐसी थी जो बच्चों को काफी उन्होंने परेशान किया, दो DI जो थी वो परेशान करने वाली थी, मतलब इसमें एक तो वो आ गया था मिलियन करके और वो थोड़ा सा नया क्वेश्चन था काफी बच्चों के लिए, तो किसी किसी बच्चे के तो पूरे पूरे क्वेश्चन ये छूट गए हैं, और एक था बच्चे पास हो रहे हैं मतलब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और बच्चे उस साल निकल जा रहे हैं, तो ये दो फिगर ने काफी परेशान करा। और वास्तव में ये DI थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी थी और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी थी, तो इसलिए मैं जो 16 अक्टूबर वाला है और मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो DI की वजह से ये एग्जाम थोड़ा सा टफ हो गया, ये सेट थोड़ा सा टफ हो गया। और दूसरा रीजन ये है कि हिंदी का जो पैसेज था वो भी थोड़ा सा लेंथी था, और उसके ऑप्शन जो थे मतलब क्वेश्चन तो सरल था लेकिन उसके ऑप्शन जो थे वो थोड़े से कंफ्यूजन वाले थे इसमें, तो हिंदी की वजह और DI की वजह से ये जो था थोड़ा सा टफ हो गया, और वोकैबुलरी भी थोड़ी सी अच्छी पूछी गई थी इसमें। इसमें इंग्लिश का पैसेज तो इजी था, लेकिन वोकैबुलरी जो दो नंबर की वोकैबुलरी आई थी उसका लेवल ठीक ठाक था, और करंट अफेयर एवरेज था और GS जो है वो भी एवरेज थी, लेकिन इंग्लिश भी जो दो एंटो और सैनो पूछे गए थे वो थोड़े से एवरेज लेवल के थे बाकी शिफ्ट की तुलना में। तो सबसे अगर मैं कहूंगी सबसे टफ अगर कोई शिफ्ट आई है तो 16 अक्टूबर की फर्स्ट मीटिंग वाली सबसे टफ आई है। अब देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट कौन सी टफ थी, मतलब 16 अक्टूबर मॉर्निंग के बाद कौन सा पेपर सबसे टफ आया था। सबसे टफ तो मैं यही दूंगा, और मैं जो बच्चों से बात हुई है उन्होंने भी इसको यही बताया कि 16 अक्टूबर का मॉर्निंग वाला जो पेपर है वो इंग्लिश में ये एंटो सैनो की वजह से और हिंदी की वजह से और दो DI की वजह से थोड़ा सा टफ हो गया। अब सेकेंड नंबर पे कौन सा टफ था, तो वो था आपका 15 अक्टूबर का जो सेकेंड मीटिंग में पेपर था वो उसके बाद टफ देखा गया है। रीजन क्या है, इसमें एक DI जो थी वो बहुत बड़ी आ गई थी, बहुत बड़ी DI आ गई थी, तो यहाँ पर जो है वो बहुत बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो गए, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया इतनी बड़ी DI देख के। और इसमें जो है वो इंग्लिश का लेवल भी ठीक था, इंग्लिश का लेवल भी ठीक पूछा गया एंटो और सैनो, इसमें जो है वो काफी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तुलना क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इसमें आपका जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा हार्ड देखने को रही है, और करंट भी थोड़ा सा जो अननोन थोड़े से क्वेश्चन थे वो भी आए हैं इसमें, तो मैं इसमें दो DI की वजह से बच्चों के 8 से 9 नंबर खराब हो गए थे, और इसमें देखिए 4 यहाँ पे, और ये तो इंग्लिश इसकी लगभग एवरेज ही आई है इसमें, और करंट एक दो क्वेश्चन इसके वास्तव में डेटा वाले दे दिए गए थे तो थोड़े से टफ थे वो, तो सेकेंड शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी टफ मानी जाएगी। अच्छा बात करते हैं कि थर्ड नंबर पे जो है वो कौन सी, या फिर आप ये कह सकते हो कि सबसे सरल शिफ्ट कौन सी थी, तो सबसे सरल शिफ्ट में जो है मैं अपने डेटा से ये कहूंगा कि सबसे सरल जो है वो 16 अक्टूबर की जो सेकंड मीटिंग है, 16 ये सबसे सरल रही है। इसका रीजन मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि सेकंड शिफ्ट तक आते आते काफी बच्चों को एक आइडिया लग गया था कि कैसा पेपर बन रहा है, एक मतलब दिन पूछा जा रहा है, कितनी DI आ रही है, DI का लेवल क्या है, और आप देखोगे तो 16 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट है उसमें DI आपको बहुत कोई ऐसे नहीं थी DI की जो आपको नहीं देखने को मिले, 3 तो बहुत इजी थी और एक आयात निर्यात वाली आई थी जो 2021 में भी पैट में पूछी गई थी, तो यहाँ पर जो है DI की वजह से जो है वो पेपर जो है वो काफी हल्का रहा है, बच्चे समझ भी गए थे 3 पेपर देख के, तो और कुछ खास इसमें नहीं पूछा गया। और आप देखोगे इंग्लिश में भी देखिए कितना सरल पूछे गए थे, एक ब्यूटीफुल का ही पूछ लिया गया था मीनिंग,
और इंग्लिश का भी पैसेज काफी सरल था, हिंदी का भी थोड़ा सा लेंथी था लेकिन उसके ऑप्शन इजी थे। तो यहाँ पर जो है वो सबसे सरल मैं कहूंगा कि सेकंड शिफ्ट रही है 16 अक्टूबर को। तो सबसे ज्यादा फायदा जो अगर देखने को हुआ है तो 16 अक्टूबर वाले को इनके नंबर जरूर बढ़ेंगे। जो 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो परेशान ना हो, काफी बच्चों के फोन आ भी रहे थे मेरे पास कि सर मेरी 2 DI छूट रही है और इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आपके नंबर उम्मीद है कि कम से कम 2.5 से 3 नंबर तक आपके बढ़ने के चांस रहेंगे और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के भी 2 नंबर के आसपास बढ़ने के चांस रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको 3.5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले और यहाँ पे भी आपको 2 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। और फिर फर्स्ट शिफ्ट है वो 3rd नंबर पे रखेंगे। ये दोनों लोग लगभग सेम है लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा सरल थी क्योंकि ये 4th नंबर पे हुई थी और इसकी DI ऐसा नहीं था कि कुछ खास नई आपको देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट में जरूर हाँ एक लाभ आने वाला क्वेश्चन जो आया था DI में, वो अगर जिन्होंने बैंक के पेपर नहीं दिए होंगे या प्रैक्टिस नहीं अच्छे से नहीं करी होगी तो उनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है लाभ आने वाला क्वेश्चन। लेकिन सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर जो है वो सारी DI आपको जानने वाली थी अगर आपने थोड़े से भी प्रीवियस ईयर के UPSC के पेपर लगाए होंगे। यहाँ पर हिंदी भी सरल थी इंग्लिश भी सरल थी तो ओवरऑल जो कह सकते हैं 16 अक्टूबर वाले को ज्यादा बेनिफिट मिलने को। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 15 अक्टूबर इनका सेकंड मीटिंग था उनको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और 3rd नंबर पे इनको और यहाँ पर जो है वो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं भी मिलेगा। हो सकता है कि जितने नंबर बन रहे हैं उतने ही नंबर आपके इसमें है। तो ये मेरा एनालिसिस था और ये सारा एनालिसिस मैंने बच्चों के डेटा के आधार पर दिया था और खुद भी इन पेपर्स को सॉल्व किया था। तो आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं प्लीज आपको कमेंट कीजिएगा जिससे मैं एक अच्छी सी कट ऑफ बना पाऊँ कि आपके जो है वो देखभाल के लिए जूनियर स्टैंड के लिए UPSC में कितने नंबर होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और